तो कैसे हो भाई लोग? आप लोग यार, आज हम ना जॉसफुल सिटी उतर रहते हैं, तो भाई यहाँ पर ना पूरी भीड़ उतरी होती है, तो हम सोचते हैं कि पहले थोड़ा पीछे उतर जाए, लेकिन हमारे सामने एक टीम होती है, ये देखो भाई कितने सारे बंदे आ रखे होते हैं। तो भाई फटाफट से तुम्हारा भाई गन ढूंढता है, तुम्हारे भाई को बहुत देते हैं यार, गन ही नहीं मिलती, इसे शॉट गन से काम चलाना पड़ता है। उसके बाद जाके उजी मिलती है, फिर थोड़ा भाई थोड़ा सर्च मारता है, तो इतने में तुम्हारे भाई को M416 मिलती है। तो तुम्हारा भाई अब चौड़ में, यार चलो भाई बंदे मिलते हैं भैंस के यहाँ, कितना देर हो गया यार। एक तो ऊपर से कुछ भी लूट नहीं मिलती, फिर लूट मिलती ही मैं भाई चले जाता हूँ बंदे पेलने। तो मैं भाई यहाँ पर आता हूँ, इतने में कोई बंदा शॉट होता है, उसको मैं पेलता हूँ फटाफट से। फिर यार मेरे को पैरों की मतलब आवाज़ आती है पैर को चलने की, तो भाई जो दूसरा बंदा होता है ना, एक और बंदा होता है, वो होता है तो थोड़ा राइट साइड में, जो वहाँ पर ब्लू वाला घर होता है ना, तो मैं फटाफट से इसको लूटता हूँ। तो ये भाई M762 दे जाता है, लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर आता भाई एकदम बंदा, तुम्हारे भाई को मारने वाला ही होता है, लेकिन तुम्हारा भाई ना फटाफट से इसको पेल देता है यहाँ पर। भाई मैं एक बात बता दूँ तुमको, जो हमारा भाई नंबर 4 होता है ना, बहुत हरामखोर बंदा, हरामखोर बंदा तो नहीं होता, मतलब बहुत हरामखोर ही दिखाता है इस मैच में, तुमको आगे बताऊंगा भाई लोग। तो फिर उसके बाद यार क्या होता है भाई, उसके बाद ना एक नंबर बिल्डिंग में अकेला चले जाता है, क्योंकि उसको ना सामने वाली बिल्डिंग से थोड़े से पैरों की चलने की आवाज़ आती है। तो भाई फिर फटाफट से हम यहाँ पर आते हैं, इतने में उसको चटका देता है। बट इसका जो दूसरा बंदा होता है ना भाई, वो मतलब कि जो साइड में घर होते हैं ना, यहाँ पर उतरते हैं, मैं फटाफट से इसको भी पेल देता हूँ। और फिर भाई उसके बाद ये मतलब बॉट की तरह खेलता है, पता नहीं क्या होता है। फिर उसके बाद फटाफट जाते हैं छत पे, और जिस बंदे को एक नंबर ने टपकाया था उसकी लूट करते हैं फटाफट। फिर इतने में क्या होता है यार, जैसे हम लूट करते हैं, इतने में जॉन आ जाता है। उसके बाद भाई तुम्हारा भाई फटाफट नीचे जाता है, और जिस बंदे को चटकाया था ना उससे लूट उठाता है, और सीधा भाई गोली की स्पीड से जोन की तरफ भागता है। तो भाई उसके बाद क्या होता है यार, जो हमारा एक नंबर है ना, वो यार बाइक लेके आता है किसी तरीके से, लेकिन ये हरामखोर, इतना हरामखोर बंदा होता है ना भाई, पता नहीं कैसे चलाता है। अभी आगे आगे देखना भाई, मतलब भगाता तो सही है, जोन की तरफ जाना है तो भाई, लेकिन ये यार मतलब आगे दुर्घटना हो जाती है हमारे साथ यार, एक्सीडेंट करा देता है अपनी बाइक का यार, ये पता नहीं कैसे चलाता है भाई, रैश रैश चलाता है बहुत ज़्यादा ये बंदा यार, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन फिर यार जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है ना, हम दोनों नॉक पड़े होते हैं, तो सारा जो 4 नंबर है ना हरामखोर, वो मतलब उसको बुलाते तो हम गाड़ी लेके आता भी है वो, लेकिन हरामखोरी इसको यहाँ पर भी दिखानी होती है भाई साहब। वो आता तो है, बट वो बंदा यार मतलब गाड़ी में बैठा रहता है यार भाई, मतलब हम दोनों यहाँ पर मरने वाले होते हैं, वो मतलब रिवाइव भी नहीं दे रहा यार। चलो जो 3 नंबर था वो थोड़ा सही होता है यार, मतलब वो हम दोनों को बचा देता है, लेकिन ये मैं ना इस 4 नंबर को ना इतनी गालियाँ सुनाता हूँ ना, इतनी गालियाँ सुनाता हूँ ना भाई, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी घुमा के लाएगा हमारे पास, और देखो भाई कैसा हरामखोर बंदा है यार ये, सही में भाई ऐसे मतलब टीम मेट होना तो मतलब खुद के ऊपर ना बॉम्ब मारने का मन करता है यार, सही में भाई क्या बताऊँ तुमको मैं यार। भाई 4 नंबर ना पूरे गेम में मेरे से गाली खाते रहता है भाई, सही में यार इसने जो हरकत की ना यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग यार ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि यार जोन ना उसी साइड बन रहा होता है, तो और धुंध भी होती है, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और सीधा निकल जाते हैं। तो इतने में क्या होता है यार, पीछे से ना घरों से ना हमारे ही गाड़ी के ऊपर ना गोली चलती है, तो भाई अब पता चल गया था पीछे बंदे, तो हम ब्रिज ब्लॉक कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो बंदे आ जाते हैं, लेकिन वो यार किसी तरह से ना यहाँ से निकल जाते हैं, और हमारा जो 3 नंबर था ना इसको नॉक कर देते हैं यार। तो हम फटाफट से फिर 3 नंबर को बचाते हैं। जैसे ही 3 नंबर यह होता है, इतने में भाई एक नंबर जो होता है ना उसको कार 90 का फटका लग जाता है, तो तुम्हारा भाई फटाफट यहाँ पर स्मोक कर देता है, और इतने में हमारे ऊपर क्या होता है भाई, रश हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ उनको भाई पीछे आ जाओ जल्दी से फटाफट, क्योंकि वहाँ पर ना यार स्मोक के ऊपर ईजिली ग्रेनेड या मॉली कर सकते हैं। तो फटाफट से इनको पीछे बुलाते हैं, और यार उसके बाद ना ऊपर जो हमारा 4 नंबर बैठा होता है ना, तो उसको बंदे स्पॉट होते हैं, तो वो पेलता है भाई बंदे को यहाँ पर, तो हम इनके 3 बंदे नॉक कर देते। तो भाई अब हम फटाफट से उनके ऊपर मतलब रश कर देते हैं 3 बंदे नॉक करने के बाद, लेकिन यार हमको स्पॉट ही नहीं होते, वो बंदे ना हरामखोर सीधा है ना ब्रिज के नीचे कूद जाते हैं यार। तो हम फटाफट से जाते हैं भाई आगे, और उनको ब्रिज के नीचे देखो कैसे पेलते हैं यहाँ पर, लेकिन यार यहाँ पर ना यार यहाँ पर भी भाई जो हमारा 4 नंबर होता है इतना हरामखोर होता है ना, अभी आगे देखना आप लोग, अब देखो इन लोगों को हम कैसे झटकाते हैं यहाँ पर। हम फटाफट जाते हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर यार एक नंबर होता है ना वो बहुत बड़ी गलती कर देता है यार, ये जो एक नंबर होता है ना ये धीरे धीरे नीचे चले जाता है, क्योंकि 3 बंदे तो हम मार चुके होते हैं, जो चौथा बंदा होता है ना इनका वो बच रहा होता है, वो ना मतलब कि कहीं वॉल के पीछे छुपा होता है यार, ये जो ब्रिज की वॉल से ना इनके पीछे छुपा होता है, लेकिन वो हमको स्पॉट नहीं होता। अभी अब यहाँ पर हमारा एक नंबर नॉक हो गया था, और भाई उसको बचाना तो था किसी तरह से, तो भाई 3 नंबर क्या कहते हैं, 3 नंबर फटाफट जाता है और उसको रिवाइव दे रहा होता है, लेकिन यार यहाँ पर सीन ना गलत हो जाता है बहुत ज़्यादा यार, मतलब यार 3 नंबर मतलब अपने आप को हेल्थ ही नहीं लगाता। तो मैं फटाफट जाता हूँ गाड़ी के पास, और मैं इसको बोलता हूँ यार कि यार 4 नंबर चलना नीचे चलते हैं, नीचे से गाड़ी आ भी जाएगी ऊपर को, तो फटाफट नीचे चल बचाते हैं इन लोगों को। लेकिन भाई जो हमारा जो 4 नंबर होता है इतना हरामखोर बंदा होता है भाई, यहाँ पर भी मेरे से 100 गाली सुनता है यार, ये सीधा मतलब जोन की तरफ भगा लेता है भाई गाड़ी, मतलब यार मैं उसको बोलता रह जाता हूँ कि भाई रोक रोक, लेकिन ये रोकता नहीं, तो यहाँ पर हमारे 2 बंदे फालतू में मर जाते हैं। यहाँ एक और सीन हो जाता है भाई, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होता, आगे जाके रुक जाती है, उसके बाद बाइक मिलती है तुम्हारे भाई को, और सीधा तुम्हारा भाई जोन की तरफ निकाल लेता है। भाई हेल्थ भी नहीं थी यार, और हेल्थ किट भी नहीं थी अपने पे, तो भाई जोन की तरफ निकलते हैं सीधा फटाफट यहाँ से हम लोग। उसके बाद जोन में लेट के थोड़ी सी हेल्थ वेल्थ लगाते हैं, तो पीछे पीछे से ना गाड़ी का साउंड आता है, तो वो भाई बंदा मतलब कि हमारे पास लाके भाई एकदम से मतलब हमारे से थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है वहाँ पर रोक देता है, तो हमारा भाई फटाफट स्पॉट कर लेता है उसको, और भाई फटाफट से चटका देता है इस बंदे को। अब इस बंदे के पास मेरे को पता था कि यार लूट होगी, तो फटाफट उधर जाते हैं हम लोग, और जो भी इसके पास लूट होती है ना उठा लेते हैं, कार 90 उठा लेता हूँ यहाँ से, मैं 8X उठा लेता हूँ भाई, सब उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद हम गाड़ी लेके सीधा निकल जाते हैं जोन की तरफ।
अब यार जो हमारा 4 नंबर होता है, इसको बंदा स्पॉट हो जाता है और उसको नॉक कर देता है। तो यार यहाँ से ना मेरे को एंगल नहीं आ रहा होता सही, बिल्कुल ये पेड़ के पीछे होता है लेकिन एंगल नहीं आ रहा होता। तो हमारे पास होता है थोड़ा राइट से ना प्लैंक करके जाए, तो मैं राइट से जाता हूँ, इतने में तुम्हारे भाई के ऊपर गोली चढ़ जाती। फिर यहाँ पर 4 नंबर उसको पेल तो देता है, लेकिन यार ये जो 4 नंबर है ना, ये तुम्हारे भाई को रिवाइव करने नहीं आता। तो तुम्हारा भाई अंडमंड की गाली चला देता है इसके ऊपर, तब जाके रिवाइव करने आता है। तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, ये बंदा ना मेरे से इस गेम में भाई 1000 गाली सुन लेता है यार। उसके बाद फटाफट रिवाइव करता हूँ भाई खुद को यार, लेकिन मेरे मुँह के आगे ना थोड़ा सा आगे जाके मतलब बॉम्ब फूटता है वहाँ पर, लेकिन तुम्हारा भाई बच जाता है। तो भाई उसके बाद मतलब कि एक बंदा ना गाड़ी घुमा रहा होता है यहाँ पर, ये हरामखोर जो बंदा होता है ना गाड़ी घुमा रहा होता है, तुम्हारे भाई ना इसके साथ मस्त खेलता है यार। एक बंदा तो ये होता है, लेकिन इसका जो दूसरा बंदा होता है ना ऊपर की साइड, मेरे को पहले स्पॉट हो जाता है। अब मैं ऊपर में गोली चलाने जाऊंगा इस बंदे को, तो यार वो तुम्हारे भाई को पेल देगा। तो तुम्हारा भाई यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाता है और तुम्हारा भाई ना फटाफट पेड़ का कवर ले लेता है यहाँ पर नीचे जाके। और पेड़ का कवर लेते ही मतलब जो बंदा होता है ना उसका एम में ब्लॉक रहता है यहाँ पर स्मोक करके फटाफट। पर ये गाड़ी वाला हरामखोर होता है ना, ये तुम्हारे भाई के ऊपर मतलब गाड़ी चलाने की ट्राई करता है यार, कितनी मतलब कि ये मतलब 5-6 बार घुमा के लाता है तुम्हारे भाई की तरफ, लेकिन तुम्हारा भाई किसी तरीके से बच जाता है। अब यार मेरे को डर ये था कि यार ओपन है पूरा, ये कहीं मतलब और बंदे लेटे होंगे वो पेल देंगे। तो यार तो तुम्हारा भाई मतलब कि फटाफट से इस गाड़ी वाले पे गोली चलाता है जितनी चला सकता है, लेकिन ये गाड़ी वाला ना बच जाता है। 4 नंबर पूरे गेम में सिर्फ एक अच्छा काम करता है यहाँ पर, जो एक इनका एक बंदा होता है ना उसको मार देता है। तो अब गाड़ी वाला बच गया था और एक और बंदा था, तो तुम्हारा भाई बोलता है अंड मंड के टोड़े गाड़ी वाले, अगर तू ना मरा तो तेरी डैश डैश डैश, और ये गाड़ी वाला यहाँ पर मर जाता है। फिर एक ही बंदा बचा था इनका, तो उस सांप के बच्चे को भी हम लोग पेल देते हैं। इस तरह तुम्हारे भाई लोग को कुछ करने मिल जाता है। और यार मैं इसको फिर भी 4 नंबर को ना बहुत गाली देता हूँ यार, जीतने के बाद भी इसको मतलब मैं मारता हूँ, इतना मारता हूँ ना यार, क्या बताऊँ तुम लोग को। अब भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो और तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करके ग्रे बनाओ, और साइड में जो घंटा होगा ना घंटे को भी बचा दो भाई लोग। थैंक यू।